गुड मॉर्निंग। आज हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या कहलाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो कलर का पाउडर होता है ये। ऑडलिक ने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है वो सजेस्ट किया था CaCl bond OCl। इस फॉर्मूले में क्लोरीन जो है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। तो कैल्शियम और क्लोरीन की जो बॉन्डिंग है तो कैल्शियम पॉजिटिव होगा और क्लोरीन पे माइनस वन साइन होगा। इस बॉन्ड के कारण कैल्शियम पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, माइनस वन चार्ज आएगा। तो OCl निगेटिव एंड Cl निगेटिव और कैल्शियम जो है वो डाइपॉजिटिव हो गया। तो कैल्शियम डाइपॉजिटिव है, Cl नेगेटिव आयन है और OCl नेगेटिव आयन है। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है और दो नेगेटिव आयन है, दो डिफरेंट नेगेटिव आयन है। इस कारण ब्लीचिंग पाउडर को जो है हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे, क्योंकि वो एक पॉजिटिव आयन देता है और दो नेगेटिव आयन दे रहा है। क्लोरीन जो है यहाँ माइनस वन में है और OCl कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो प्लस वन में है। तो कैसे बताएंगे प्लस वन में है, तो OCl नेगेटिव। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होती है, क्लोरीन की हमें निकालनी है तो हम एक्स मान लेंगे इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जो उस पर चार्ज होगा, क्योंकि ये आयन है तो निगेटिव चार्ज है तो माइनस वन लिखा। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस वन है। तो OCl नेगेटिव, इसको हम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। यहां पे क्लोरीन जो है वो प्लस वन में है। इसका जो केमिकल नेम है ये कैल्शियम क्लोरो और OCl को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइट। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका जो है वो केमिकल नेम हो जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम कहते हैं कि जब क्लोरीन गैस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यार क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से दो और प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है और दूसरा जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो एक्चुअल में जब क्लोरीन गैस जो है वो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराते हैं तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है एंड कैल्शियम क्लोरेट बनता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, कब हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनेगा और कब हमारा जो है वो कैल्शियम क्लोरेट बनेगा। तो अब हम रिएक्टेंट की साइड देखते हैं। तो रिएक्टेंट में दो चीजें हैं, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन तो गैस है, इसकी कंडीशन तो वही है, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंडीशंस जो है वो डिफरेंट होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिफरेंट वे में क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना रहा है, इसका मतलब है कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, यह होना चाहिए कोल्ड एंड डाइल्यूटेड। तो जब हम कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, साथ ही कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर भी बनेगा। और जब हम इस वाली रिएक्शन में देखें, यहां पे कैल्शियम क्लोरीड बन रहा है, तो कैल्शियम क्लोरीड तभी बनेगा जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हमारा कैल्शियम क्लोरेट जो है वो बनेगा, साथ ही कैल्शियम क्लोराइड एंड वॉटर भी बनेगा। तो एक जगह तो हमने कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, दूसरी जगह हमने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया। तो अब यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए,
तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस हम पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपको पता है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन के दो व्यू थे, एक तो क्लिफर्ड व्यू था और दूसरा ऑडलिंग का व्यू था। तो पहले हम क्लिफर्ड व्यू को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लिफर्ड ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का ये जो मिक्सचर है इसी को क्लिफर्ड ने ब्लीचिंग पाउडर बोला। तो यार ये मिक्सचर बनता कैसे होगा, तो जब जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी रिएक्शन जो है वो क्लोरीन से करा रहा है, तो CaOCl होल ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड जो है वो वाटर बनेगा। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ टू लगाएंगे, यहाँ टू लगाएंगे और यहाँ टू लगाएंगे, तो इक्वेशन जो है आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है, और इस वाले पार्ट को हम फिर से लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वहां पे वाटर के दो मॉलिक्यूल थे, हम एक मॉलिक्यूल लेंगे से ये बनाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट CaCl2 डॉट H2O, ये बना बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अब ओवरऑल इक्वेशन जो है हम लिख लेते हैं, ये स्टेप वन है, ये स्टेप टू है। तो यहां पे कैल्शियम क्लोराइड ये आपका लेफ्ट साइड में है और कैल्शियम क्लोराइड राइट साइड में है, कैंसिल हो जाएगा। एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। H2O इधर पे है लेफ्ट साइड में और इधर H2O राइट साइड में, तो एक H2O कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने, टू ये है और वन ये है, तो थ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन कितने हैं, टू क्लोरीन लिए थे तो टू क्लोरीन है, ये क्या बना CaOCl कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना प्लस बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो मिक्सचर है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का जो है वो मिक्सचर होता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन का जो सेकेंड व्यू था वो ऑडलिंग ने दिया था। ऑडलिंग ने बताया था कि जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सिलेक्ट लाइन बोलते हैं पर क्लोरीन गैस पास की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन जो है वो होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो हम लार्ज अमाउंट में कैसे बना सकते हैं। तो एक तो होती है हेजेनक्लेवर प्रोसेस और दूसरी बैकमैन प्रोसेस होती है। हेजेनक्लेवर प्रोसेस जो है वो ओल्ड प्रोसेस होती है और बैकमैन प्रोसेस जो है वो मॉडर्न प्रोसेस होती है। दोनों ही प्रोसेस में हमारे रिएक्टेंट यही रहेंगे। ये जो हमारा हेजेनक्लेवर प्लांट है यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये रोटेटिंग शाफ्ट है, यहाँ पे हम जो है वो लाइम डालेंगे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, इस वाले चैम्बर से वेस्ट गैसेस जो है वो बाहर निकलेंगी, यहाँ से हम क्लोरीन गैस जो है वो पास करेंगे और यहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर को कलेक्ट करेंगे। ये जो है ये रोटेटिंग शाफ्ट कहलाती है, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे और रोटेटिंग शाफ्ट जो है वो रोटेट होती रहती कंटिन्यू, और क्लोरीन गैस जो है वो पास हो रही है जिसके कारण ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो रहा है।
ये जो हमारा बैकमेन प्लांट है इसमें ऊपर से यहाँ से तो ये है, हम सिलेक्ट लाइन जो है वो फ्लो कराते हैं। ये जो है हमारा रोटेटिंग रैक्स कहलाती है, ये कंटिन्यूसली रोटेट होती रहती है ताकि ये जो आप सिलेक्ट लाइन डाल रहे हो ये एक जगह जमा ना हो, रुके नहीं, कंटिन्यूसली रोटेट होता रहे। यहाँ से हम ये क्लोरीन गैस जो है वो पास करते हैं। जब क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर को जो है वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है वो देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो पहली प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद एसिड। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एसिड से दो तरीके से रिएक्शन करता है। तो पहला टाइप जो है ब्लीचिंग पाउडर में लिखा CaOCl2, और अगर हमारा एसिड H2SO4 है तो ये हम डाइल्यूटेड H2SO4 लेंगे, और अगर हमने इसको लिमिटेड अमाउंट में लिया होगा तो यहां पे ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलेगी। तो हमारी रिएक्शन होगी CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस HCl एंड O2। ऑक्सीजन गैस जो है वहां पे लिबरेट हो रही है। अब यार ये रिएक्शन जो है वो आई कैसे, इंपॉर्टेंट ये है याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl और ये सी एल, तो ये सी एल निगेटिव रहता है, ओ सी एल पे -1 का चार्ज पूरे पे, ये हाइपोक्लोराइट आयन कहलाता है। जब CaOCl2 की रिएक्शन होती है किससे, CaOCl2 की रिएक्शन किससे होती है, H2SO4 से, ये लिमिटेड है और डाइल्यूटेड भी है। तो यहां पे कैल्शियम जो है वो डाई पॉजिटिव आयन है, SO4 -2 में है, तो CaSO4 तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो पॉजिटिव आयन हैं, ये ऐसे ब्रेक होगा ना, H पॉजिटिव और SO4 -2 में, तो ये कैल्शियम डाई पॉजिटिव जो है इससे रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। अब दो H पॉजिटिव है तो एक तो ये बनाएगा HCl और दूसरा बनाएगा HOCl, ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन ये जो HCl का H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जो कैल्शियम आयन है वो हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या होगा HCl CaOCl और ये Cl, तो फिर क्या बनेगा, ये और ये वाला क्लोरीन से क्या बनेगा, ये CaCl2 बनेगा, और ये H और OCl से क्या बनेगा, HOCl बनेगा। अब ये HOCl ये अनस्टेबल होता है, एक HOCl ये है और एक HOCl ये है, तो दो HOCl हो गए, ये क्या हो गए, ब्रेक हो जाएंगे, किसमें, HCl एंड ये ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस ऐसे बनती है, तो ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, HOCl से HOCl कैंसिल कर देंगे, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में कॉमन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो CaOCl2 कितने लिए थे आपने, ये दो बार लिया था, तो 2CaOCl2 प्लस H2SO4 से रिएक्ट कराए, क्या बने है? CaSO4 बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, HCl बना था 2, ये 2HCl बना एंड ये O2 बना, ये O2 बना, तो ये हमारी जो है वो ओवरऑल रिएक्शन हो गई। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इस बार H2SO4 हमारा डाइल्यूटेड है और एक्सेस में है, तो H2SO4 हम एक्सेस में ले रहे हैं, तो हमारा रिएक्शन जो है वो ऐसे बनेगा, CaSO4 H2O एंड क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी। यार ऐसा क्यों हुआ कि एक्सेस में क्लोरीन गैस निकल रही थी लेकिन जब हम लिमिटेड अमाउंट में ले रहे थे तो ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, तो रिएक्शन तो इसकी ऐसी ही होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर तो ऐसे ही होता है, CaOCl एंड Cl, और H2SO4 तो ऐसे ही आयनाइज होगा, तो C8 आई पॉजिटिव और SO4 -2 रिएक्ट करना चाहिए, ये पूरा निगेटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो इससे ये बनेगा CaSO4 HCl एंड
HOCl। अब चूंकि ये एक्सेस में लिया गया है, इसका मतलब है ये भरपूर अमाउंट में ये बन रहा है, और HOCl जो है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो HOCl कैसे ब्रेक होगा? HCl एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो देता है, और जितने जल्दी कोई ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन देता है इसका मतलब है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक HCl ये बना और एक HCl ये बना, तो देखो जरा क्या होता है। HCl, दो HCl हो गए और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, से क्या होगा? H2O एंड क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, HOCl से HOCl कैंसिल हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल कर देते हैं, 2HCl से 2HCl कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा? ब्लीचिंग पाउडर बचा, CaOCl2। तो हमने लिखा H2SO4 लिया था, हमने लिखा CaSO4 बना लिखा, H2O बना लिखा, Cl2 बना लिखा, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है, हीटिंग विद एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। तो कोबाल्ट क्लोराइड की प्रेजेंस में आपको हीट करना है, तो याद रखना जब कोबाल्ट क्लोराइड की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, और ऑक्सीजन गैस निकल कहां से रही है? ब्लीचिंग पाउडर से। तो ब्लीचिंग पाउडर में तो एक ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब है यहां पे ब्लीचिंग पाउडर के कितने मोल होने चाहिए? 2 मोल होने चाहिए। तो हमने लिखा 2, तो ऑक्सीजन गैस निकल गई तो क्या बचा? CaCl2 बचा, तो CaCl2 तो कितना बनेगा? 2 मोल CaCl2 बनेगा। इसी प्रकार जो थर्ड प्रॉपर्टी है ऑटो ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग पाउडर को आप अगर स्टोर करके रखते हैं और काफी लंबे समय तक आपने स्टोर करके रखा हुआ है 5-6 महीने, तो क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे हो जाएगा? हमें पता है कि ब्लीचिंग पाउडर सी ए ओ सी एल और ये सी एल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये वाला क्लोरीन -1 में है और ये वाला क्लोरीन जो है वो +1 में है, और जो कैल्शियम क्लोरेट बना है वो +5 ऑक्सीडेशन में है इसका क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या हो गया यहां पे? ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग पे क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोरेट बनाता है और कैल्शियम क्लोरेट बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वही सब्सटेंस शो करते हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डाइल्यूटेड और लिमिटेड अमाउंट ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड HOCl बनाएगा। और HOCl आपको पता है हाईली अनस्टेबल एसिड होता है, जो ब्रेक होगा क्विकली ब्रेक होके HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट और एक्सेस H2SO4 से रिएक्ट करता है तो CSO4, H2 और क्लोरीन गैस बनाता है। क्लोरीन जो गैस बन रही है वो क्या करेगा? मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो एसिड चाहे आप लिमिटेड अमाउंट में लो चाहे एक्सेस अमाउंट में लो, नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है। ब्लीचिंग पाउडर जो है एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 एंड क्लोरीन गैस देता है। ये क्लोरीन गैस जो है मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो देगा, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो CaOCl2 ये ब्रेक होगा CaCl2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो ये H2S को क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन H2S से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O एंड सल्फर। अगर हम लेड ऑक्साइड लें तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या बनाएगा? इससे इसको लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमने यहां पे ले लिया पोटेशियम नाइट्राइट तो ये नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? KNO3। तो यहां पे देखो सल्फर -2 में था, सल्फर 0 हो गया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, तो H2S ऑक्सीडाइज हो गया। लेड जो है +2 में था और लेड यहां पे +4, इसका मतलब लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहां पे नाइट्रोजन +3 में है
और यहाँ पे प्लस 5 में है, तो इसका मतलब है पोटेशियम नाइट्राइड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा हमें H2S जो है वो CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है CaCl2 वो बना रहा है, और उसका नेसेंट ऑक्सीजन H2O एंड सल्फर दे रहा है। इसी प्रकार लेड ऑक्साइड CaOCl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा CaCl2, और क्या बनाएगा लेड डाइऑक्साइड, और पोटेशियम नाइट्राइड जो है CaOCl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बना रहा है CaCl2, और क्या दे रहा है ये KNO3। लिख दी तो फुल रिएक्शन ऐसी होगी। इसके बाद अगर मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो आयोडीन यहाँ पे -1 में है तो ऑक्सीडाइज होके I2 बनेगा, ये तय है। तो पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन इसका जो रिस्पेक्टिव एसिड है HI ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमें HI बनाने के लिए इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करवानी पड़ेगी, तो हम करवा लेते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो HCl ले लेते हैं, चाहे H2SO4 ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये KCl बनेगा और ये HI बनेगा। CaOCl2 ये तो आपको पता है, ये CaCl2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। HI जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा H2O एंड I2। तो HI हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तभी तो I2 बन पाएगा। तो HI 2 है, तो यहाँ पे HI 2 अगर बनेगा तो 2 KI यूज करना पड़ेगा, तो 2 HCl यूज होगा, तो 2 KCl बनेगा। ओके, अब ये हमारी इक्वेशन हो गई। ओवरऑल इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है एरो के और राइट हैंड साइड है वो कैंसिल हो जाते हैं, फिर HI से HI हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब जो रिमेनिंग बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो 2 KI ये 2 HCl से रिएक्ट कर रहा है CaCOCl2, ब्लीचिंग पाउडर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बनेगा 2 KCl CaCl2 एंड H2O एंड I2। तो आयोडीन यहाँ -1 में है, तो आयोडीन कितना हो गया 0 में हो गया, इसका मतलब है कि आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो गया। तो पोटेशियम आयोडाइड ये पूरा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो गया, किससे ब्लीचिंग पाउडर से। इसके बाद आप चाह रहे हो कि FeSO4 भी ऑक्सीडाइज हो जाए, तो FeSO4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए आयरन यहाँ +2 में है, तो आयरन को +3 में करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब हम H2SO4 यूज करेंगे CaOCl2, तो ये आयरन सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइज ये बनाएगा, आयरन यहाँ +3 में हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। तो Fe2 आयरन 2 बनाने के लिए यहाँ पे आयरन 2 करना पड़ेगा, तो SO4 2 ये है और बन गया, तो 3 हो गया। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो H2 से रिएक्ट करेगा, H2 बना देगा, ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीजन तो यूज हो गया, अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा CaCl2 बचेगा, तो ये लिख दिया। इसी प्रकार अमोनिया है, ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा H2O, और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये नाइट्रोजन 0 में, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है -3 में है, तो -3 से नाइट्रोजन 0 में पहुंच गया। नाइट्रोजन बन रहा था तो 2 अमोनिया लेना पड़ेगा, तभी तो नाइट्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन 6 होंगे तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज किएगा, इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी 3 होगा, तो 3 CaCl2 बनेगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो, ब्लीचिंग पाउडर की जो अगली प्रॉपर्टीज है ब्लीचिंग एक्शन। अब ये ब्लीचिंग एक्शन क्या कहलाता है, तो ब्लीचिंग एक्शन में क्या होता है कि जो हमारा कलर्ड मटेरियल होता है वो कलरलेस बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो कलर्ड मटेरियल आपका कुछ भी हो सकता है, एलिफेंट टीथ हो सकता है, फ्लावर पेटल्स हो सकते हैं, प्लांट लीव्स हो सकती हैं, जो आपके क्लॉथ्स हो सकते हैं, कलर्ड क्लॉथ हो सकते हैं, तो ऐसा कलरिंग सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
क्या बन जाता है, ये कलरलेस बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग एक्शन कौन सा सब्सटेंस कर पाएगा, तो ऐसा सब्सटेंस जो नेसेंट ऑक्सीजन देता हो। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो सब्सटेंस दे रहा होगा वो ब्लीचिंग एक्शन कर पाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी देता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ओजोन भी देता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे हैं वो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देते हैं, इसी को हम ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं। कि अवेलेबल क्लोरीन जो है वो क्या कहलाता है, तो जब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड या फिर एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस जो है लिबरेट होती है। तो इस लिबरेटेड क्लोरीन गैस को ही हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, ये H2SO4 डाइल्यूटेड है और एक्सेस में लिया गया है। तो कैल्शियम सल्फेट बना, H2 बना और क्लोरीन गैस बनी। ये क्लोरीन गैस जो है उसी को हम अवेलेबल क्लोरीन बोलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर अगर HCl के एक्सेस अमाउंट से रिएक्ट करता है तो CaCl2, H2 और क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर अगर एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा एंड क्लोरीन गैस निकल रही है। तो ये जो लिबरेटेड क्लोरीन गैस है इसी को हम अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन आएगा। तो अवेलेबल क्लोरीन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अवेलेबल क्लोरीन हमको मिल कैसे रहा था कि जब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डाइल्यूट एंड एक्सेस ऑफ एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो रही थी, इसी को हम अवेलेबल क्लोरीन गैस कह रहे थे। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2.H2O, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का जो मोलर मास है वो 145 ग्राम आया, क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है तो उसका मास जो है वो 71 ग्राम आया। तो इसका मतलब है कि 145 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है वो 71 ग्राम क्लोरीन गैस दे रहा है जब वो डाइल्यूट एंड एक्सेस ऑफ H2SO4 या एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 पार्ट में बात करेंगे। तो 100 पार्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर कितना क्लोरीन दे रहा है, तो ये 48.96% दे रहा है, इस ये अप्रॉक्स 49% है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में जो अवेलेबल क्लोरीन है वो 49% जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है मैक्सिमम 49% तक अवेलेबल क्लोरीन दे सकता है जब वो एसिड से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब। ब्लीचिंग पाउडर का गुड सैंपल तो 35-38% अवेलेबल क्लोरीन दे रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड सैंपल जो है वो 49% अवेलेबल क्लोरीन देता है। तो बाकी का क्लोरीन जो है वो कहाँ चला गया, तो आपको पता है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को स्टोर करते हैं तो स्टोर्ड ब्लीचिंग पाउडर एयर के अगर कॉन्टेक्ट में आ गया तो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। तो CaOCl2 ये CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaCO3 एंड क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट कर देगा। तो जिस कारण उस सैंपल में क्लोरीन का परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम अमाउंट मतलब 49% से कम हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।